राजस्थान में पंचायत राज के चुनाव जनवरी में होंगे या नहीं, दो बड़ी वजह हैं, जनगणना की प्रक्रिया का प्रारंभ होना और एक देश एक चुनाव, जैसे कि घोषणा की जा चुकी है बजट में कि एक साथ चुनाव होंगे। तो क्या निकायों और पंचायत राज के चुनाव एक साथ होंगे? अलग अलग तरह के प्रश्न हैं। और पंचायत राज जो कि सबसे निचली इकाई है, जिसको महात्मा गांधी ने भी कहा था कि भारत को सशक्त करना है तो पंचायत राज को सशक्त करना होगा, राजस्थान के नागौर से ही शुरुआत हुई थी 1957 में। और राजस्थान में ही हम बात कर रहे हैं एक युवा जनप्रतिनिधि से, विजय प्रजापति इनका नाम है, राजस्थान के बूगांव ग्राम पंचायत के सरपंच रह चुके हैं। बड़ी बात यह है कि 11वीं क्लास में पढ़ते पढ़ते सरपंच बन गए थे। विजय प्रजापति जी, बहुत स्वागत आपका आज थिंक 360 के साथ। और क्या हुआ कि 11वीं क्लास में ही आपको सरपंच बनाने का निर्णय ले लिया लोगों ने? ऐसा हुआ कि जब मैं विद्यालय में पढ़ता था तो खैर उस समय तो इतना राजनीति का अपने को अनुभव नहीं था, लेकिन पिता की पैठ और गांव में अच्छे व्यवहार और माँ बाप के अच्छे व्यवहार के कारण गांव में ग्राम पंचायत 2015 में ओबीसी की सीट थी जी। उस समय ओबीसी की सीट भी थी और उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने ग्राम पंचायत में सरपंच की योग्यता 8वीं पास कर ली थी, 8वीं 10वीं वाला मामला जी। तब गांव में लोगों और सबने देखा कि भाई इनको दावेदारी करने, सब लोगों ने मिलकर हमें और मेरे पिताजी को बताया कि भाई आप अपने बेटों को इसमें मैदान में उतारो तो हम आपका सहयोग करेंगे, गांव वालों ने तय किया जी। अच्छा, क्या मानते हो आप कि एजुकेशन जो है एक पंचायत राज जनप्रतिनिधि के लिए अब अनिवार्यता हट गई है वापस, क्या है? अनिवार्य तो वैसे हटी थी लेकिन अब सरकार ने वापस उसको लागू कर दिया, 8वीं पास वापस पुनः वापस कर दिया, एक बार फिर से कर दिया। चलो ठीक है, ये शटल कॉक की तरह हो रहा है, कभी बैडमिंटन में शटल जिस तरह से इस पाले में कभी इस पाले में। तो क्या मानते हो आप, क्या जनप्रतिनिधि पंचायत राज का पढ़ा लिखा होना जरूरी है या उसको सिर्फ जानकारी है तो पर्याप्त है? क्योंकि जनता से जुड़ाव रखना इम्पोर्टेंट है, जनप्रतिनिधि है, पढ़े लिखे तो ग्राम सेवक होते ही है ग्राम पंचायत। देखिए ऐसा है कि जब खैर अनपढ़ भी कई सरपंच भी हुए हैं और योग्यता हट रही है तो कोई भी खैर फॉर्म भर सकता है, कोई भी उम्मीदवार कर सकता है और जनता वोट भी देती है और सरपंच भी बनते हैं। लेकिन यदि मेरा मानना ये है, यदि पढ़ा लिखा सरपंच बनेगा तो वो गांव के विकास के मुद्दों, गांव की तो समस्या सुनेगा, समझेगा, उसके अलावा यदि प्रशासनिक और जो दायित्व है और जो ऑफिसों में वगैरह जाता है या काम करता है तो यदि पढ़ा लिखा होता है तो वो अपनी बात को दमखम के साथ में रख सकेगा। ये 11वीं क्लास में पढ़ रहे थे आप उस वक्त जी, तो बाद में राजनीति में पढ़ गए, पढ़ाई को भी आगे बढ़ा दिया। मैं 11वीं, उसके बाद मैंने 12वीं भी की है, उसके बाद में मैंने बीए की 3 साल, फिलहाल उसमें 2019 में मेरा कार्यकाल पूरा हो गया था, उसके साल बाद में मैंने 3 साल की लॉ की है, LLB कर रखी है मैंने। क्या बात है जी सर, तो लॉ ग्रेजुएट हो गए जी। उसके बाद सरकारी नौकरियों वगैरह की ट्राई नहीं की? नहीं सर, सरकारी नौकरियों फिर वो फील्ड या राजनीति का चस्का लग गया आपको? नहीं सर, फिर आपके वहाँ तो सरकारी नौकरियों के चांसेस खूब है, पेपर लीक भी आपके आसपास ही चलता है मामला। खैर सर ऐसा हमारे इस एरिया में है नहीं। किस एरिया में? पहले सांचौर हमारे जिले में था और हमारे से दूर भी है, हमारा को उससे वहाँ लिंक भी नहीं है। नहीं, अब सांचौर अलग हो गया, आप कैसे सोचते हो मतलब ठीक हुआ? सर देखो वो सर है, वो अपना अपना वहाँ का एरिया है, बेल्ट है, हमारे वहाँ कोई ऐसा है नहीं, हमारा तो बहुत शांत, जैसे थाना भी है तो सबसे पूरे जिले में सबसे कम क्राइम हमारे थाने में, जनता ने चुना हमारे कार्यकाल में जितना मेरे से हो सका। खैर हम तो विद्यालय के, किस टाइप के काम किए आप मतलब? हमने तो सर काम तो जो सरकार जो योजना थी, सरकार की जो भी योजना थी जितना हो सका हम, मेरा तो विद्यालय में पढ़ने वाला स्टूडेंट था, मैंने तो हर जगह जाके सबसे सीखने के, लोगों से जा बैठक में जाता था, पंचायत समिति वगैरह जा भी जाता था,
कई एमएलए एमपी से भी मिलता था, तो मैंने हर जगह सीखने की कोशिश की है। जैसे मैं विद्यालय में पढ़ रहा हूँ वैसे ही। तो आप 11वीं में पढ़ रहे थे, तो जैसे पता चलता है पढ़ाने वाले टीचर को कि जो लड़का है सरपंच है, तो ऐसे ही नमस्कार नहीं करते थे, सरपंच साहब नमस्कार आइए क्लास में बैठिए? नहीं सर, उसमें ये हुआ था कि जो मेरे जो पढ़ने वाले थे, मेरे जो पढ़ाने वाले जो गुरुजी थे, मेरा मरुधर प्राइवेट जो विद्यालय है, मरुधर बाल निकेतन विद्यालय राम सिंह जी भाई, उसी स्कूल में मैं पढ़ा हूँ। छठी से और सातवीं से बारहवीं तक मैंने पढ़ी वही की है। जी, ठीक है सर। तो वह मैं जाता था उस समय, वो पहले से थोड़ा राजनीति में सर थोड़ा मतलब भी था, इंटरेस्ट था भाई, मौका मिल गया। थोड़े मतलब बातें बातें करते थे, फिर वो सरपंच का चुनाव भी आया, तब थोड़ा हमारे सर ने भी, मैं सरपंच का था चुनाव के समय के भाई योग्यता रखता है, उन्होंने हम तो इतने हमें आइडिया भी नहीं था, उन्होंने बताया भी कि भाई आप आपकी उम्र भी है जो 2015 में आपके 21 साल से अबव हो रही है। तो 21 साल की उम्र में 11वीं में कैसे पढ़ रहे थे? उस समय सर यू था कि मैं पहले पढ़ता था बुगाव मेरे विद्यालय में जी, ठीक है। तीसरे तक सर मैंने पढ़ाई की वहां पे, पढ़ाई करने के पश्चात मैं मतलब थोड़ा कमजोर था पढ़ाई में, तो मेरे पिता ने देखा कि तीसरी में पढ़ रहा है, उसको कुछ आता नहीं है, तो उसको वापस मुझे वहां से बिठा के राम सिंह प्राइवेट स्कूल में बिठा दिया जो जय भारती विद्यालय था, वह मैंने एडमिशन लिया। तो उस समय मुझे वापस तीसरे से लगा कि वापस पहले में पढ़ाती है, इसलिए मेरे वो उम्र आपकी ज्यादा होती जी सर। पढ़ाई में कमजोर लोग अक्सर राजनीति में ऊपर जाते हैं, क्या मानस है आपका? नहीं वैसे सर कमजोर तो शुरू में देखो सर बचपना होता है, हर बच्चे की एक इच्छा रहती है खेले कूदे और मनोरंजन टाइप में, तो उस समय हमारे भी वो ऐसा ही था कि वो इतना पता नहीं कि पढ़ाई क्या चीज है, उसका पढ़ाई का महत्व पता नहीं था। उसके बाद में फिर हमें लगा, फिर पढ़े भी हमने 12वीं की 10वीं 12वीं की ग्रेजुएट भी की LLB की भी की और फिर पढ़ाई जी। आपके आपका जो जिला है जालोर जी, वो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सबसे पिछड़ा जिला है साक्षरता में जी, महिला साक्षरता में भी और ओवरऑल साक्षरता में भी। कैसे देखते हैं आप अपने जिले को? नहीं सर पहले खैर था, अब तो उसमें बहुत फर्क पड़ा है, और मेरे गांव में भी उससे पहले जो मैं मेरे जो लेवल में उससे एक बंदा सिर्फ सरकारी एक या दो थे, अब खैर धीरे धीरे शिक्षा भी बढ़ रही है, लोग शिक्षा जा रहे हैं, नौकरियों में भी सरकारी नौकरियों में भी जा रहे हैं। सरकारी नौकरी वाला मैंने आपको बताया, वहाँ कमाल ही हो गया आपके। नहीं सर पर वो नहीं, हमारे से मेहनत से लगते हैं और बड़े मेहनत वाले लोग हैं और सीधे पहले ज्यादातर बाहर के लोग ही आके नौकरी करते हैं, यूपी से आए जालोर में नौकरी करते हैं, हरियाणा से आए, राजस्थान के तो है ही, खैर चूरू झुंझुनू सीकर जयपुर अजमेर जहाँ के व्यक्ति को मौका मिला के जालोर फॉर्म भर देते हैं, सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं खैर सर अब प्रतियोगिता बढ़ रहे हैं, लोग हमारे स्थानीय लोग बढ़ रहे हैं और हर भर्ती में निकल रहे जिले के लोग, और पहले जिले के सुनते थे, अब तो आसपास के गांव और मेरे खुद के गांव और मेरे ग्राम पंचायत जिस पंचायत से वहाँ भी लोग निकल रहे हैं, हर भर्ती में रीट में भी अभी निकले आगे भी निकले हैं और प्रतियोगिता है अभी बढ़ रहे जी, कंपटीशन बढ़ता है। तो मैं दर्शकों को भी बताना चाहूंगा कि विजय जी जो है उन पहले पढ़ाई मन नहीं था, दो तीन क्लास आप पीछे रहे, फिर आपका ऐसा मन लगा कि आपने सरपंच रहते हुए ग्रेजुएशन की, न केवल ग्रेजुएशन की बल्कि LLB भी की है बाद में, इन्होंने लॉ ग्रेजुएट है, तो क्या सोचते हैं प्रैक्टिस कोर्ट में करेंगे या पॉलिटिक्स यानी कि पब्लिक के लिए करेंगे? जी सर इसमें यू है, मेरा अब चुनाव भी नजदीक है, फिलहाल तो ऐसा कोई मानस है नहीं कि चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे जी, ठीक है। अभी मैंने लॉ का कीड़ा तो है वो चुनाव वाला मुझे लगता है चुनाव सर देखते हैं अब लोगों का जनमानस जो होगा जनता के जी 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 वो कहेंगे, उसके हिसाब से यदि सीट है नहीं है उसके हिसाब से देखेंगे जी। किस पार्टी को आप मतलब प्रेफर कर रहे? मेरी सर वैसे विचार था तो भारतीय जनता पार्टी से है, मैं वहां से मेरे मंडल का महामंत्री युवा मोर्चा से अच्छा, आप राजनीति में हैं जी, जी 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 सर। तो विजय जी कम उम्र में आप सरपंच बने, क्या ऑब्स्टिकल्स आते हैं, क्या चुनौतियां आती है, क्या अवरोध आते हैं? सर उसमें जैसे अपन हम बने तो बनने के बाद खैर हर काम जब काम करेंगे तो दुविधा तो आएगी, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे उसको सीखने की कोशिश की, और फिर यदि अपन अपने में होना चाहिए मन में कि भाई ये काम करना है तो फिर काम तो सब हो जाता है, समस्या हर समस्या का समाधान है। बिल्कुल नहीं, एक ये बताएं कि जैसे आप सरपंच बने तो आपने ऐसे कौन से माइलस्टोन काम किया जिसको आप आगे गिना सकते हो पॉलिटिक्स के लिए, मैं सरपंच था तो मैंने ये किया, ये कंस्ट्रक्टिव काम किया, ये डेवलपमेंट वर्क किया, ये रूटीन वर्क, जैसा आप गिनाना चाहें। सर उसमें जब मैं सरपंच बना उससे पहले मतलब गांव में खैर हमारी तो पंचायत भी छोटी है, ठीक है, बजट भी लिमिटेड ही आता है जो राज्य सरकार का आता है, लेकिन जितना भी जो राज्य सरकार का जो बजट हमें मिला, हमने जैसे CC रोड बता दे, पाइपलाइन बता दे, ट्यूबवेल वगैरह जितना हमसे हो सका
और खैर हमारे तो सीखने भी उम्र थी, जितना हो सका उतने हमने लोगों को काम में करवाया जी। तो फिर 2020 का जो पंचायत राज चुनाव हुआ उसमें फिर ट्राई नहीं किया आपने? 2020 का चुनाव था उसमें जनरल महिला की सीट थी जी, और हम ओबीसी वर्ग से भी आते हैं। खैर हम चुनाव तो जनरल से लड़ सकते हैं, लेकिन वो राजनीतिक और कोई गांव के माहौल, गांव की व्यवस्था, क्योंकि सब लोगों ने ओबीसी की सीट में आपको जीता है तो आप, हाँ पंचायत राज में ये रहता है वहां पे सिस्टम। तो फिर लोगों का, फिर लोगों ने कहा कि आप एक बार सबको मौका मिलना चाहिए, और फिर हमने उसमें ट्राई नहीं की 2020 चुनाव में जी। आप इस पॉलिटिक्स को कैसे देखते हैं, एमएलए एमपी वाले को जालौर सिरोही में, क्या वाकई में कोऑपरेट करते हैं पंचायत राज जनप्रतिनिधियों को या उनका एक अलग स्वैग चलता है? एमएलए एमपी तो फिलहाल सर ऐसा है कि पिछली बार जो भारतीय जनता पार्टी के 5 विधानसभा सीट है पूरे जिले में, जालौर जिले में, उसमें एक कांग्रेस से थे, बाकी 4 भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे। खैर काम हम करते हैं, करते भी, मोटिवेट भी होते, काम जितना हम हो सकते हैं हमारे संपर्क में ही है जी सर। इस बार तो आपके बदल गया सिनेरियो। हाँ सर, अब की बार हमारे भिंडवाड़ा विधान से कांग्रेस से है, रानीवाड़ा कांग्रेस से, रानीवाड़ा भी कांग्रेस से, रेवदर पड़ोस में है आपके सिरोही जिले में जी जी। तो क्यों बदला ये माहौल? अब सर लगातार 3 बार भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला हमारे, एंटी इनकमबेंसी आप बड़ा कारण मानते हैं। हाँ 3 बार हमें मौका मिला, और अब की बार भी कोई हार का कोई ज्यादा कोई अंतर है नहीं, कोई 1000 के आसपास के करीब वोटों से हार का जनता, अब जनता है सर। अब आपके जो पूर्व एमएलए हैं उनकी पॉलिटिक्स को कैसे देखते हैं आप, पूरा राम जी को? लोग बड़े मजे लेते हैं उनको। सर वो पूरा राम जी बड़े सादगी और सरल स्वभाव के धनी है। अब वो इतने सरल है कि सांचौर से नर्मदा का पानी जालौर चला गया, बीच में भीनमाल नहीं पहुंच पाया, इतनी सरलता किस काम की? सर वैसा था कि बीच में सरकार भी कांग्रेस की थी और ये बीजेपी के एमएलए थे ना, ये तो लगातार एमएलए हैं, 13 में भी तो थे। हाँ 13 में भी खैर थे सर, लेकिन तब आप सरपंच भी थे जी सर। अब उसकी कोई उच्च उस इस तरह हमारे से ऊपर लेवल का मामला है सर, वो ही बता सकते उसका मैं। हाँ जी, नहीं क्या लगता है आपको वहाँ अब बेसिक प्रॉब्लम्स क्या है, पानी की है, एजुकेशन की है, किस तरह की प्रॉब्लम आप देखते हैं? पानी की सर वैसे तो प्रॉब्लम है हमारे जी, पानी की भी प्रॉब्लम है, और गांव में पानी मिलता नहीं है समय पे, जो पहले जो हमारे से बहुत पहले के टाइम में उसमें पाइपलाइन वगैरह जो डाली हुई थी वो ऐसी ऐसी भी पड़ी है, तो कई जर्जर अवस्था के बीच में लीक लाग भी है, और अभी तक पानी में गांव में और बहुत पानी के बीच में शेयर है ज्यादा। ठीक है, आप युवा हैं, आपने एलएलबी की है जी, तो क्या आप चुनाव, अगर पार्टी मान लो आप एक पार्टी से जुड़े हो, अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देती है, समस्याएं जस के तस हैं, आपकी क्षमताएं भी है जी, तो क्या अपने दम पे कुछ कर सकते हैं? जैसे कि कुछ उदाहरण आए हैं, राजकुमार रोत हैं दक्षिण में, इधर राहुल कसवा हैं, हालांकि वो तो खैर राजनीति से पैर पुराने हैं, रविंद्र भाटी देख लीजिए या रितु बनावत देख लीजिए, आपकी पार्टी की रही, आपके जिले में ही जीवाराम चौधरी, तो क्या ऐसा पंचायत राज में देखने को मिलेगा कि बगावत? नहीं सर ऐसा ही है, उसमें 2020 में मैंने चरकों का चुनाव लड़ा नहीं, मैंने पंचायत समिति के 14 नंबर वार्ड से मैंने बीजेपी से उम्मीदवारी की थी, उम्मीदवारी के लिए मैंने आवेदन किया था पार्टी से, लेकिन जाति समीकरण या अन्य किसी कारणों की वजह से मुझे टिकट नहीं मिल पाया वहाँ से। ठीक है, लेकिन हम पार्टी के साथ थे और आगे भी साथ ही है, और जितना हमारे से होगा, हम तो खैर अब भी पद पे नहीं है, तो भी जनता के लिए जितना हो सकता है हम लोगों के लिए जाते हैं, जहाँ मेरे एरिया में जितना मेरा क्राइटेरिया है वहाँ जाने की कोशिश करते हैं, हमारे एमएलए एमपी भी है। तो इस बार दावेदारी है मतलब आपकी? जी सर दावेदारी के फिलहाल अभी कोई ऐसा नहीं, बीजेपी की बात होगी ना कि साहब ये पकड़ो मैं भी विजय सर, यदि मौका मिलता है और पार्टी और जनता और पार्टी, भाजपा वालों की लाइनें फिक्स है, पार्टी की नीति से अलग नहीं जाएंगे, मौका मिलता है ये पार्टी सब कुछ कहे सर, पार्टी के फिर पार्टी के खिलाफ तो जाएंगे, तो फिर ना खिलाफ कहाँ जाना है वो, आप तो कह रहे हो हम नहीं सर, उसमें तो ये होगा जब पार्टी ये कोई सिलेबस लिख के दिया हुआ होता है भाजपा में ये बोलना है, ऐसा कुछ नहीं है, पार्टी जब उम्मीदवारी करने के लिए बहुत सारे आवेदन आते हैं जी। ठीक है, तो आवेदन करना है तब तक ठीक है, आप अपना जो शक्ति का मतलब प्रदर्शन वगैरह जो भी है आप दिखाओ उनको कि भाई हमारे पास में क्या है कैसे है, और पार्टी का टिकट मिलता है तो फिर पार्टी के जो उम्मीदवार मिलता है उसके साथ में ही है जी। कई बार लोग बागी हो जाते हैं, फार्म भर देते हैं, जैसे अभी आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन जी, उन्होंने सुमेरपुर से फार्म भर दिया था जी सर, फिर मान गए और अब देख लो अब वो पार्टी के फिर पदाधिकारी, कोशिश ऐसी कोई प्रेरणा लेंगे आप उनसे? नहीं सर ऐसा नहीं है, पार्टी के तो खैर जो पार्टी है चुनाव, अभी तो हमारा तो राजनीति करियर आगे भविष्य है जी, अभी मेरी तो इतनी उम्र भी नहीं है,
और अभी सीख रहे हैं, लोगों से सीख रहे हैं और कोशिश करेंगे। और लोगों उम्र तो लोगों ने आप 11वीं क्लास में सरपंच बना दिया। देखो सरपंच बहुत पावरफुल चीज होती है, सरपंच इतना पावरफुल है कि ग्राम पंचायत विश्व बैंक से सीधा लोन ले सकती है, ऑटोनोमस बॉडी। जी सर, तो सरपंच को आप कम मत मानिए। खैर ठीक है विजय भाई, और कोई बात जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें? जी, राजनीति में ऐसा है कि यदि आप लगातार जनता के संपर्क में, मुझे जैसे मौका मिला तो मेरे मतलब लोगों और गांव के लोगों ने देखा कि भाई ये योग्य है और व्यवस्थित है जो लोगों का अच्छा काम कर सकता है। और मैं नहीं कहता कि मैंने लोगों का अच्छा कार्य किया, जितना मेरे से हो सका मैंने सीखा भी और कार्य किया भी, और कार्यकाल भी मेरा सरपंच का पूरा हो गया। उसके बाद भी मैं लगातार अभी भी मैं लोगों के संपर्क में हूँ, लोगों से जितना मेरे से काम होता है मैं करने की कोशिश करता हूँ। और मैं आप सभी को यही बताना चाहूँगा कि भाई यदि आप राजनीति में कोई है तो राजनीति वालों को यदि पार्टी जो आप जिस भी पार्टी से विचारधारा रखते हैं उसके साथ में रहना चाहिए। और लोगों को यदि है तो अपने खुद के फायदे के लिए उसके लिए आप दल बदल या फिर लोगों को गुमराह मतलब हर चीज से आप अपने जो अपना काम है उसका उस पर मंजिल काम पे फोकस करना चाहिए। खैर विजय भाई की भाषा जो है वो भारतीय जनता पार्टी का जो मतलब कन्वर्सेशन मैनिफेस्टो है इनके पदाधिकारियों या कार्यकर्ताओं के लिए उससे इतर नहीं है। खैर आप पॉलिटिक्स में आगे जाते हैं तो उम्मीद करते हैं कि युवा लोग अगर जालौर में आगे आएंगे तो वहां स्थितियां और बेहतर होंगी। कुछ बेहतर हुई हैं पिछले सालों में जैसा आप बता रहे हैं, जैसा हमने देखा है। हमसे आपने बात की, समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।